जयराधमध बिहारी जय गोपी जनवा भ गिरिवाधारी यशोदनन्दन तेरा यमुुन तीरावनचारि तेरा तीरावनचारी जय राध बिहारी जय गोपी जनबलाभ गिरिवाधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुना तेरा यमुनतीरावनारी

सोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बन चारी यमुना तेरा बन चारी जय ओम विश्वपाद परमहंस पर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भा भागवतम की जय भक्ति वेदांत परपट की जय निताई गौर परमनंदे आल ग्लोरीज टू अल डिओिज आल ग्लोरीजल और गु रंग हरिहरि गो ओम नमो भागवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीररेत नाश्टा प्रायेसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते सेवया भागवते उत्तम श्लोके भागवतम उत्तम श्लोके श्री श्रीमद् भागवतम रासकंद नवस अध्याय दो श्लोक संख्या 25 से लेकर के कितना थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स नंबर बारह श्लोक है मन के पुत्रों की वंशावली पर तात्पर्य है श्लोक संख्या अट्ठाइस में तो हम लोग श्लोक संख्या अट्ठाइस का उच्चारण करेंगे आप सब भक्तों से प्रार्थना है हमारे पीछे इस भागवतम के श्लोक को, को दोहराने का कष्ट करें अमा अमाद्यत इंद्र सोमेन दक्षिणाभि दुजात मुत परेष्ठार विश्वदेवा सभा सद अत्य अद्याद्र सोम दक्षिणा दिजात विश्वे देवा मरुतपरवेष्ठारो विश्वेदेवासभासदः अमाद्यतीन्द्रसोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः मरुतपरिवेष्ठारो विश्ववासद अमाद इंद्र सोमेन दक्षिणा दिजात मृत परवेष्ठारो विश्व देवासभासद हाँ माता जी माद्यत उन्मत्त हो गया इंद्र स्वर का राजा इंद्र सोमेन रस का पान करके दक्षिणाभि पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त करके द्विजातय ब्राह्मण वर्ग मरुतः मरुतों ने परविष्ठारह भोज पदार्थ परोसा विश्वदेवा विश्व देवा सभा सद सभा के सदस्य अनुवाद उस यज्ञ में सोम रस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र उन्मत्त तो हो गया ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली जिससे वे संतुष्ट हुए उस यज्ञ में मर्तों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें उस यज्ञ में, में सोम रस की बहुत अधिक मात्रा, मात्रा पीने, से, पीने से राजा इंद्र, इंद्र। उन्मत्त हो गया, गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, मिली जिससे, जिससे वे संतुष्ट हुए।, हुए उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा, परोसा और विश्वदेव सभा के सदस्य थे, थे। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय मरुत द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करते करने में अतएव सभी लोग अपने अपने प्राप्तव्यों से संतुष्ट थे ओम अज्ञानम त्रिमिरंध्य ज्ञानंजन सलाखया जनसलाखया मेन तस्मय श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित मेन स्वयं रूप कदमह ददा स्वपदाधिक वंदे अहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैश्वां से श्रीूप साग्रजा सहगणरघुनाथन्जीव साइतम सवधूत पिजनसहित कृष्णचैतन्यव श्रीराधापादगणल श्री विशाखान्वीता हे कृष्ण सिन्धो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकाधाका का कांत कांत नमस्तुते तप्त कांचनगौराी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानसुतेदेवी प्रणमा हर प्रिय कृपा सिंधुभ्य च पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम तो आज श्लोक संख्या 25 से लेकर के श्लोक संख्या छत्तीस तक है मैं फिर से ग्यारह श्लोकों का पाठ करता हूँ तो फिर थोड़ा बहुत इसके ऊपर चर्चा होगी श्लोक संख्या पच्चीस इस प्रकार से है विवंसते सुरम्भ खनि नेत्रो से धार्मिक करण धमो महाराजा तस्द आत्मजो निरप इसका अनुवाद इस प्रकार से है विवंसत के पुत्र का नाम रंभ था जिसका पुत्र महान एवं धार्मिक राजा नेत्र हुआ हे राजा नेत्र का पुत्र राज राजा करंदम हुआ श्लोक संख्या छब्बीस तस्वीक्षित मरुतक्रवर्त्यभूत संवर्त अजदयम वै महायोग अंगिरा अंगिश करंधम से अवेक्षित अविक्ष, नामक पुत्र हुआ जिसका पुत्र मरुत था जो सम्राट था महान योगी अंगिरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने हेतु मरुत को लगाया श्लोक संख्या सत्ताईस मरुत यथा यज्ञ न तथान्योस्तक हिरणमय ऑसीद यत किंचित शोभनम राजा मरुत के यज्ञ की साज सामग्री अत्यंत सुंदर थी क्योंकि समस्त वस्तुएं सोने की बनी थी निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती अमाद्यादि इंद्र सोमेन दक्षिणाभिदुजात मरुत परविष्ठारो विश्वदेवा सभासदः सद उस यज्ञ में सोम रस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र उन्मत्त हो गया ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दक्षिणा मिली जिससे वे संतुष्ट हुए उस यज्ञ में मरतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे मरुत्य दम पुत्र मरुत्य दम पुत्र तस्त राज्यवर्धन सौधिति ततसुतो जाग्गे सौधितयो नरसुतः मरुत का पुत्र दम हुआ दम का पुत्र राजवर्धन था और उसका पुत्र सुधिति और सुधिति का पुत्र नर था ते श्लोक संख्या 30 ततसुतः केवला तस्मात् धुंधुमान बेगवास्ततः बुधस्तस्या भवत्यास्या तिण बुंदूर महिरपति नर का पुत्र के, केवल हुआ और उसका पुत्र दुंधुमान था जिसका पुत्र बेगवान हुआ बेगवान का पुत्र बुध था और बुध का पुत्र तृण बिंदु था जो इस पृथ्वी का राजा बना श्लोक संख्या 31 तम भेजे अलम्बूषा देवी भजनीय गुणालय वरापसरा यतः पुत्रा कन्याचे बिला भवत अनुवाद इस प्रकार से है अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुड़ी कन्या अलमबुषा ने अपने ही समान सुयोग्य तृण तृण बिंदु को पति के रूप में स्वीकार किया उसने कुछ पुत्र तथा तो इलाविला नाम की एक कन्या को जन्म दिया श्लोक संख्या बत्तीस यश्याम उत्पादया बास विश्रवा धन दम सुतह। प्रदाय विद्या परमा ऋषिश्वर पीतु महान संत योग के स्वामी विश्रवा ने अपने पिता से शुद्ध विद्या प्राप्त करके इल बिला के गर्भ से शुद्ध विख्यात पुत्र धन प्रदाता कुबेर को उत्पन्न किया विशाल शून्य बंधुष धूर्म केतुष्य तत्सुता विशालो कृत राजा वैशालीम निर्म में पुरी अनुवाद तीन बिंदु के तीन पुत्र थे विशाल शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वंशाली नामक एक महत बलवान एक महल वैशाली नामक एक महल बनवाया श्लोक संख्या चौंतीस हेमचंद्र सुत ध्रोमाक्ष तत्पुत्राद संयमादशीत कृषास्व सह देवज अनुवाद विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूमाक्ष हुआ जिसका पुत्र संयम था और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा तो कृषाश्व थे श्लोक संख्या पैंतीस और छत्तीस कृषास्वाद सोमदत्त भूत योस्वेधयसपतिम पुरुषम आ आप्राज्ञा गतिम योगेश्रिता सोमदत्तस्तु सुमती जन मे जय ये वैशाल भूपाल तृणबिंदो योधरा अनुवाद कृषाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को संतुष्ट किया श्री भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है सोमदत्त का पुत्र सुमति था जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृण बिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के नवम स्कंध के अंतर्गत मन के पुत्रों की वंशावलियाँ नामक दूसरे अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हम लोग फिर से श्लोक संख्या 28 पढ़ेंगे अमाद्यादि इंद्र सोमेन न दक्षिणाभिद्व मरु परो विश्व देवा सभा सद उस यज्ञ में रस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र उन्मत्त तो हो गए ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली जिससे वे संतुष्ट हुए उस यज्ञ में मरुतो के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे मरुद द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग विशेष रूप से ब्राह्मण था क्षत्रिय प्रसन्न थे ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करने में अतः सभी लोग अपने अपने प्रातव्यों से संतुष्ट थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आज हम सभी लोग आ, मनु के पुत्रों की वंशावली को पढ़ रहे हैं आ इस वंशावली में एक महान राजा हुए जिनका नाम मरुत था इस संसार में हर व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति से ही महान बन सकता है इस भौतिक जगत में चाहे कोई कितना भी ऐश्वर्यशाली हो कितना भी अधिक ज्ञानी हो या योगी हो ज्ञानी हो यदि वो अपने कार्य से भगवान को संतुष्ट नहीं करता है तो उसका ऐश्वर्य का होना ज्ञान का होना विद्वता का होना योगी होना सब व्यर्थ होता है हमारे जीवन की सफलता अतः पुंभिक द्विजश्रेष्ठ है, सम विभाग स सुनिश्चित धर्म से संसिधिम हरितोषण भागवतम वर्णन करते हैं श्री पा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः द्विज अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ क्योंकि सुद गोस्वामी के समक्ष जितने श्रोता थे वो साधारण कोट के ब्राह्मण नहीं थे साधारण साधारण कोट के ब्राह्मण तो अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहते हैं वो भगवान का और भगवान के भक्तों का ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जो उच्च कोट के ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसमें वैष्णवता है जो भगवान के भक्त हैं उनको उच्च कोट के ब्राह्मण किया कहा जाता है तो जो उच्च कोट के व्यक्ति होते हैं अपने सब कार्य को छोड़ करके भगवान को संतुष्ट करते हैं जैसे जब सूत गोस्वामी नैम सा, नैमसारण्य में उपस्थित हुए तो जित जितने भी वहाँ ऋषि महर्षि ब्राह्मण थे सब अपने यज्ञ को बंद करके वो सोचे हमारे यज्ञ का फल मिल गया क्योंकि सूद गोस्वामी उपस्थित हो गए हैं वो हम लोग को कथा का रसास्वादन कराएंगे इसलिए उनको कहता है कहा गया द्विज श्रेष्ठ है संपूर्ण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे उसी प्रकार से यहाँ मरुत जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते थे कहते हैं कि महाराजा मरुत्य यज्ञो न तथान्यो अस्ति कंचन है। कहते हैं मरुत के यज्ञ की साग साज सामग्री इतनी सुंदर थी कि उसी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती आज तक इसका अर्थ है आज तक इतनी सुयोचित ढंग से सुचारू ढंग से किसी ने किया था नहीं किया था क्योंकि वो यज्ञ राजर्षि थे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे हालांकि ऐसा तो है आवश्यक नहीं है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम हमेशा हर कार्य बहुत ऐश्वर्यपूर्ण से करें लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है यदि ऐश्वर्य का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है तो वास्तव में वो भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, है। वो भगवान की संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि का अर्थ है अपने पास जितनी शक्ति है जितना ज्ञान है जितनी बुद्धि है पूर्ण रूप से उसका उपयोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए तो यहां महाराजा रत् मरुत कहते हैं वो पूरा यज्ञ सोने से सजाया गया था सोने के प्लेट थे सोने के थालियाँ थी सोने के स्पून थे आगे वर्णन मिलेगा प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा हुए तो युद्ध इतना महान युद्ध हुआ युद्ध में बहुत पैसे खर्च होते हैं करोड़ों करोड़ों डॉलर हाँ, खर्च हो जाते हैं तो उनका युद्ध के बाद तो धन समाप्त खजाना खाली था और धन के बगैर तो राज तो चल नहीं सकता है तो अर्जुन को से अर्जुन को आदेश दिया कहीं से धन लाओ राजपाट कैसे चलेगा तो भगवान के निर्देश में मार्गदर्शन में अर्जुन जाकर के मरुत जो ब्राह्मणों को सोना चांदी का प्लेट सब कुछ दान किया था वो ब्राह्मण सोचे कि बहुत बर्डन है वो एक जगह सब फेंक दिए थे वो बहुत बड़ा ढेर बन गया था वही अर्जुन ला उपयोग किया <laughs> मरुत इतने महान राजा थे इतने संपन्न थे तो कहते हैं कि अमाद्य इंद्र सोमेन कहते हैं उनके राज्य में उन यज्ञ में उनके यज्ञ में सभी देवता लोग आए और देवता लोग आए नहीं उनकी सेवा किया सब पार्टी सेवा किए यज्ञ में मरुदेवों ने प्रसाद का सर्विस किया सबको प्रसाद बांटा और फिर इधर वर्णन कर रहे हैं इंद्र इतना अधिक सोम रस पी लिए कि नशे में मदान्ध हो गए मदान्ध हो गए तो इस संसार में जो लोग राज्य करते हैं शासक वर्ग शासक सा, शासक वर्ग सोम जैसे देवता लोग सोम पीते हैं यहाँ के क्षत्री लोग शराब पीते हैं हो सकता अच्छी कोट क्या पीते हो पर पीते हैं जुआ खेलते हैं तो उनके लिए अधर्म नहीं है ये अधर्म नहीं है ईश्वर भाव में रहते हैं इसलिए ये सब करते हैं तो इंद्र उनके कहने का अर्थ है कि जितने भी देवता लोग रहे होंगे इंद्र के नेतृत्व में सभी लोग सोमरस बहुत सोम रस प्रचुत प्रचुर मातो स्वर्ग में मिलता है महाराजा मरुत के यज्ञ में लाके लाए सब लोग और सब पूरा पिया आनंद लिया और फिर दक्षिणा भी दुजाते हैं द्विजात है दो दूसरी बार जन्म लिए थे ब्राह्मण है दूसरी बार जन्म को लेने से पूर्ण ब्राह्मण नहीं माना जाता है पूर्ण ब्राह्मण वो होता है जो वैष्णव होता है जो इसलिए कहते हैं कि जो पूर्ण दुजात थे द्विज यह तो जो द्विज हैं जो द्विज का अर्थ है यज्ञ जो यज्ञ कर, के कर्मकांड में कुशल होते हैं तो वो लोग को इतना अधिक प्रचुर मात्रा में महाराजा मरुत ने दक्षिणा दिया को वो भी संतुष्ट है तो क्योंकि जब देवता लोग पर, प्रसाद परोस रहे हैं सर्विस कर रहे हैं तो खाने वाले बहुत संतुष्ट हैं हैं क्योंकि वहाँ तो राजा लोग कितने राजा लोग थे देवता लोग थे और सभी लोग भाग लिए होंगे okay. तो जहाँ देवता लोग प्रसाद सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ साधारण प्रसाद भी नहीं होगा ऐसे अनु अनुमान यहाँ बड़न नहीं है हम लगा सकते हैं हैं जैसे हम लोग जब कहीं प्रोग्राम होता है ज़्यादा जीबीसी लोग आ जाते हैं गुरुदेव लोग आ जाते हैं तो वहाँ तो सब बहुत उच्च कोट का प्रसाद बनता है और जहाँ पहले मैनेजर लोग को पता होता है कि आज तो हम लोग कोई ऐसे बड़े लीडर आए नहीं हैं गुरुदेव जी नहीं आ रहे हैं तो वहाँ हो सकता है खिचड़ी का ये सब कुछ होता है लेकिन जहाँ बड़े बड़े लोग आके सर्विस करेंगे तो क्वालिटी बढ़ जाती है तो यहाँ सब देवता लोग ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं तो कहने का अर्थ है कि माँ उनके यज्ञ में कोई हर व्यक्ति संतु जब जहां क्षत्रिय संतुष्ट हैं ब्राह्मण संतुष्ट हैं तो वहां हर प्रकार के लोग संतुष्ट होंगे सभी लोग संतुष्ट थे अपने अपने गिफ्ट के द्वारा क्षत्रियों को तो गिफ्ट नहीं चाहिए तो उनको तो सोमरस से ही बहुत हो गया इसलिए प्रभु लिखते हैं कि क्षत्रिय लोग या लिखते हैं ना बहुत अच्छा मैं पढ़ा पर पर तो दो ही लाइन का है कहते हैं विशेष रूप मरुद्रा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से सभी लोग सभी लोग में एक अर्थ है जितने वहां उपस्थित होंगे वहाँ चारों वर्ण क्योंकि राजा क्योंकि राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब होते हैं वर्णा सम व्यवस्था थी तो वहाँ शूद्र भी उपस्थित रहे होंगे वैश्य लोग उपस्थित रहे होंगे तो सभी लोग संतुष्ट थे हो सकता है चंडाल लोग की भी लाइन लगी होती है कहीं प्रोग्राम होता है तो भिखारी लोग भी बाहर बैठे रहते हैं तो कोई बचा नहीं खिलाने से सभी लोग कहते कोई बचा नहीं और कहते विशेष रूप से ब्राह्मण और छत्री प्रसन्न थे क्योंकि छत्रियों को पूर्ण रूपेण पूर्ण मात्रा में सोम रस वहाँ सबको सोम रस मिला होगा तो उनको भी शायद सोम रस मिल गया होगा क्योंकि पृथ्वी में सोम रस सबको नहीं मिलता है तो छत्रियों को सोम और दूसरे को अलाउ नहीं है पीना क्योंकि ऐसा नहीं वैश्यों को मिला होगा शूद्रों को मिला होगा क्योंकि वैश्य और शूद्र डाइजेस्ट नहीं पचा नहीं सकते हैं वो कभी पचा ही नहीं सकते हैं इसलिए जब वो वायस्य लोग और शूद्र लोग ये नशा करते हैं तो हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं मिस करते हैं लेकिन छत्रियों में ताकत होती है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं वो पचा सकते हैं क्योंकि उसमें ईश्वर भाव होता है तो कहते हैं क्षत्रिय लोग पीने में संतुष्ट हो गए नशे में और ब्राह्मण लोग दक्षिणा से संतुष्ट हो गए क्योंकि द्विजात थे तो जितने भी लोग हैं कहने का अर्थ है हम लोग का जो भी प्रोग्राम हो कोई भी कोई व्यक्ति प्रोग्राम करता है उसे इस प्रकार से पर प्रबंध करना चाहिए जितने लोग वहाँ आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं उस प्रोग्राम में सबका ध्यान होना चाहिए सबका उचित सबके पद के अनुसार ऐसा नहीं कि एक ही आजकल है सब इक्वल सब हर व्यक्ति समान है यह तो संभव नहीं है समानता तो आध्यात्मिक स्तर पर होती है आध्यात्मिक स्तर पर ब्राह्मण लालची नहीं होता है वही ब्राह्मण जब वैष्णव बनता है तो लालची नहीं होता है हाँ। उसको दक्षिणा मिले या ना मिले और उच्च कोट का ब्राह्मण वो संपूर्ण दक्षिणा को फिर राजा को वापस कर देता है जैसे महाराजा युधिष्ठिर के साथ हुआ हाँ। सब वापस कर दिए उसमें वैष्णव का गुण होता है क्योंकि जब तक कोई वैष्णव नहीं होता है वो संतुष्ट नहीं हो सकता वैष्णव के वैष्णव का संबंध भगवान कृष्ण के साथ होता है और वैष्णव कभी भी शारीरिक भावना से ग्रसित नहीं होता है और शारीरिक स्तर पर वो कभी काम नहीं कर सकता है इसलिए चाहे वो राजा हो चाहे देवता हो इंद्र जैसा देवता जब तक पर हालांकि इंद्र भी वैष्णव है पर वैष्णव पर शुद्ध वैष्णव नहीं है शुद्ध वैष्णव नहीं है शुद्ध वैष्णव कभी भी भौतिक वस्तु से उन्मत्त नहीं हो सकता है यही पहचान है शुद्ध पैष्णव कभी भौतिक वस्तु से पागल नहीं होगा इसलिए शुद्ध वैष्णव कोई ऐसा कार्य नहीं करता है करता है जिस कार्य से वो पागल हो जाए चाहे वो छात्री क्यों न हो चाहे वो जब वैष्णव बनता है आज वैष्णव स्तर पर ब्राह्मण छात्री वैश्य शूद्र एक समान हो जाते हैं एक समान हो जाते हैं यहां पशु पक्षी भी वो क्योंकि उनका स्वभाव बदल जाता है छत्री का स्वभाव बदल जाता है ब्राह्मण का स्वभाव बदल जाता है वैश्य का यहां तक कि जब चेतन देव झारखंड से वृंदावन की तरफ वाराणसी आते हुए होते हुए या इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए जब वृंदावन आए तो आप हम लोग को उदाहरण मिलता है चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से भगवान कृष्ण थे चैतन्य महाप्रभु उनके कीर्तन के प्रभाव से शेर बाघ चीते गाय शेर जो है हिरण का चुंबन कर रहा है ये हो सकता है ये हो सकता है ये संभव नहीं है एक कदाचित संभव हो भी जाए लेकिन जो चंडाल और ब्राह्मण चंडाल और राजा एक दूसरे का आलिंगन नहीं कर सकते हैं खाल सर्प क्रूर खलह क्रूर कहते ये पशुओं से अधिक खतरनाक मनुष्य लोग होते हैं अगर वो खल है तो लेकिन ऐसे खल भी ऐसे खल भी जब बैशों बनते हैं तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता ये यूनिक सोसाइटी इसको है हर एक मूवमेंट है शील प्रभुपा जी ने करके दिखाया कोई आश्चर्य की बात नहीं हम कभी कभी सुनते हैं शास्त्रों में कैसे नारसी के प्रभाव से मेगारी हंटर बाल्मीकि ऐसे महान पापी लोग इतने महान ये सुनते हैं कभी देखा नहीं था लेकिन हम अपनी सोसाइटी में दूसरे से नहीं खुद देख सकते हैं कैसे जी की शिक्षा के द्वारा प्रभाव से आज भी प्रभाव पड़ रहा है प्रभाव उस समय जी शिल्प जी थे ऐसा नहीं पूरा विश्व प्रभावित हो गया था आज भी पूरा विश्व प्रभावित तो नहीं है लेकिन उस समय जो की आज्ञा का पालन किया वो सभी लोग प्रभावित थे आज भी प्रभुपाद की आज्ञा का जो पालन करेगा वो उसके ऊपर प्रभाव आता है क्योंकि वैष्णव की शिक्षा वैष्णव की बाणी भगवान की बाणी से अभिन्न होती है जैसा भगवान की बाणी का कभी नाश नहीं होता है प्राकट अप्राकट्य होता है उसी प्रकार से वैष्णव लोग केवल भगवान की वाणी की स्थापना करने के लिए ही उपस्थित होते हैं धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाई जय जय कहे से धर्मसार श्री चैतन्य चर्ता में तुम्हें वर्णन है जो साधु और महात्मा जो होते हैं उनका उनका प्राकट्य जो है केवल धर्म की स्थाप धर्म सेतु भगवान कृष्ण है धर्म के पिता वही हैं दूसरा तो धर्म का पिता है नहीं तो वो धर्म की पिता की बाणी के का स्थापना के लिए साधु प्रकट होते हैं चेतन चरित में तो वर्णन है चेतन महाप्रु कहते हैं कि साधु जो उनका व्यवहार उनकी वाणी वहां तो बाणी का वर्णन नहीं किए वाणी तो कृष्ण की वाणी में ताकत है लेकिन साधु के व्यवहार में ताकत है आज कितने साधु लोग बोल, बोलते रहते हैं कितने लेकिन बोलने में ताकत नहीं वहां कहेगा गया साधुर व्यवहार धर स्थापन हेतु साधुर व्यवहार यही नहीं कहा गया साधु का प्रवचन हाँ भगवान की बाणी में ताकत है भगवान की बाणी यूट है लेकिन साधु के आचरण में सदाचार में ताकत होती है साधु जो है अपनी व्यवहार से समाज में धर्म की स्थापना करते हैं धर्म में क्रांति मचाते हैं।, हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं साधु की बाणी जो है जीव के हृदय में वाणी नहीं व्यवहार स्पेशली है, सदाचार उसके उनके सदाचार से सभी लोग प्रभावित हो, ज, हो जाते हैं लेकिन जब हो सकता है जिसके जिसकी वाणी में अलंकारी जैसे बड़े बड़े नेता थे बड़े बड़े नेता हुए बड़े बड़े जब बोलते थे तो हजारों लाखों लोग इकट्ठा होकर सुनते थे लेकिन उनके जाने के बाद एक भी व्यक्ति उनका आदर नहीं करता उनका जहां स्टैचू है आप देखेंगे पक्षियां जो हैं उधर जाके बैठती हैं गंदगी कर देती हैं लेकिन जो जिस साधु ने अपने आचरण से समाज में क्रांति ला दिया है ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता है उसकी ग्लोरी हमेशा महानता पूरे संसार में बढ़ती रहती है, है। तो यहां वर्णन है कि राजा इंद्र मदांध हो गए ये शब्द यूज किया है रस पीने से और ब्राह्मण लोग दक्षिणा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए संतुष्ट हो गए लेकिन भागवतम का पर्पज है उद्देश्य है कि पूरे उद्देश्य एक ही है कृष्ण प्रेम प्रदान करना इसलिए भागवतम में कहा गया धर्म प्रोजितो कैतो अत्र परम सताम ये भागवतम से कैतो धर्म कोई धोखा नहीं है धोखा नहीं लेकिन यहां संपूर्ण राजाओं का वर्णन है तो लोग पूछ सकते हैं इंद्र के मदान्त होने से लोगों को क्या मिलेगा तो इस पूरे वंश परंपरा का वर्णन हुआ है क्योंकि भगवान बनु के वंश परंपरा में प्रकट होते हैं तो जहां कहते हैं कि जंगल जो है जंगल में चाणक पंडित कहते हैं एक सुगंधित फूल जो है पूरे जंगत कि महिमा को आप विस्तार कर देता है कितने कांटे हैं लेकिन एक सुगंधित फूल की खोजने के लिए लोग कांटे से बचते हुए जाते हैं उसी प्रकार से किसी भी की परंपरा में कहीं भी अगर एक भक्त हो गया कृष्ण वो पूरी परंपरा को शुद्ध कर देता है पूरी परंपरा तो हम उदाहरण पाते हैं प्रहलाद महाराज पूरे अपनी भक्ति के द्वारा अपने पूरे वंश का उद्धार कर दिए ये सब श्रीमत भागवतम से राजाओं के चरित्र से पता चलता है कि किस क्योंकि भगवान तो जहाँ भक्ति होती है वहीं प्रकट होते हैं जिसमें भक्ति है व, व, वही भगवान का पिता बन सकता है वही माता बन सकता है वही भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है भगवान तो ऐसे नहीं आते हैं तो जब भगवान आते हैं जहाँ तो पूरी उनकी जो है वंश परंपरा संतुष्ट हो जाती है पूरा संतोष हो जाते हैं तो कहने का अर्थ है चाहे कोई भी हो चाहे स्वर का राजा हो या गली का लड़का हो हर व्यक्ति भगवान की भक्ति से ही महान बनता है और ज्यों ही भक्ति बनता भक्त होता है बहुत उच्च कोट क्या हो जाता है बहुत उच्च कोट इसलिए जय भजे से बड़ अभक्त ही चार हैं कि अब देखिए दूसरे कर्म का जैसे यज्ञ का यहाँ वर्णन है यज्ञ में बहुत विचार है हर व्यक्ति यज्ञ नहीं करा सकता है ना तो भी हर व्यक्ति यज्ञ कर सकता है हर ब्राह्मण यज्ञ भी नहीं कर सकता लेकिन ये संकीर्तन यज्ञ भक्ति ऐसा यज्ञ है उसमें कोई कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार है जो संकीर्तन रूपी कृष्ण भक्ति रूपी यज्ञ जो है यह भी यज्ञ है, है। इसमें कुछ कोई जन्म का नहीं कोई कुल का नहीं कोई जात का नहीं कोई विचार नहीं किया गया जय भजे से बड़ जो कृष्ण की भक्ति करता है वही महान हो जाता है वही महान हो जाता है और इतना महान होता है इतना महान होता है कि वो भगवान को बस में करता है भक्ति बसी करो तो कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी चा वही कृष्ण लाखों लाखों करोड़ डॉलर करने के लिए वही भगवान विष्णु जहां प्रकट होते हैं यज्ञ में और वो कृष्ण स्पेशली ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो आप लोग ब्रज में वास करते हैं और हम लोग कहीं भी वास करें प्रभुपाद की कृपा से हम लोग ब्रज में ही वास करते प्रभुपाद जी जहाँ भी गए चाहे अमेरिका है का अफ्रीका है का ऑस्ट्रेलिया है कोई भी है जहाँ प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बनाया राधा कृष्ण का ही मंदिर बनाया वो ब्रज है और जहां भी प्रभुपा जी ने मंदिर बनाया वो वास्तव में ब्रज है और वहां प्रभुपा जी ने भक्ति का ही प्रचार किया ब्रज भक्ति दिया आप गीता भी पढ़ेंगे प्रूपा जी के तात्पर्य में कंक्लूजन में ब्रज भक्ति ही मिलेगा हर जगह से जिसे ये जो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी कहा करते थे प्रभुपा जी के तात्पर्य को समझने के लिए बहुत बड़ी भक्ति की जरूरत है तो एक तात्पर्य की एक लाइन लेते थे और ब्रज तक ब्रज प्रेम तक वो वर्णन करते थे ब्रज प्रेम तक अभी ज, जिसकी भावना जितने भक्ति में जो इतना अधिक प्रवेश किया है वो तात्पर्य को उसी हिसाब से समझ सकता है ये तात्पर्य जो सुशिल प्रभुपा जी का तात्पर्य है वो साधारण नहीं है ये साधारण नहीं है वास्तव में ये तात्पर्य ही हमारा शिक्षा गुरु है शब्द ब्रह्म ये है इसलिए जो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार क्यों चेतन महापुर का साधुर व्यवहार ये तात्पर्य जो है हमारे व्यवहार क्योंकि ये तात्पर्य ही अमेरिकन हिपियों का व्यवहार बदलकर बड़े बड़े सन्यासी हुए गुरु हुए महान हुए आसान है आसान है हम लोग तो अपनी एक छोटी सी आदत भी नहीं छोड़ पाते तो इसलिए जो महान संत होते हैं केवल उनके सदाचार से उनके आकर्षण से जीव का देखने मात से परिवर्तन आ जाता है परिवर्तन आ जाता है तो इसलिए कहा गया है कि जो भक्त लोग हैं रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं वर्णन करते हैं कि भगवान के परम भक्त जो हैं अपनी भक्ति से केवल शुद्ध नहीं होते हैं और भक्त लोग शुद्ध होने के लिए भक्ति नहीं करते हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊं वो भक्ति करते हैं ना ना वो साधन भजन करते हैं साधुओं की आज्ञा का पालन करने के लिए वो आज्ञा ही है ऑटोमेटिक शुद्ध कर देती है किस प्रकार से हम साधुओं की आज्ञा का पालन करें आचार्यों की आज्ञा का पालन करें स्पेशली जो हमारे महान आचार्य शिल प्रभुपाद जी हमारी सोसाइटी के फाउंडर आचार्य हैं और उनके जो फॉलोअर हैं है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें इसलिए जो कि श्री प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर हैं हमने तो अभी अभी परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज का आविर्भाव दिवस मनाया उन्होंने अपने दस नियम में लिखा शिल प्रभुपाद जी केवल दस साल के लिए नहीं दो साल के लिए नहीं आज के लिए नहीं हमेशा के लिए हम लोग के शिक्षा गुरु हैं उन्होंने अपने विल में लिखा शिल प्रभुपाद जी हमेशा के लिए हम लोग के शिक्षा गुरु हैं क्योंकि दस हजार बरस तक बरस तक शील प्रभुपाद जी का यह तात्पर्य रहेगा और जो व्यक्ति शिल प्रभुपाद जी के जो भक्त इतिहास साक्षी है इतिहास साक्षी है और हम सभी लोग साक्षी हैं जो प्रभुपाद जी की शिक्षा का तिरस्कार किया और शील प्रभुपाद जी शिक्षा जो है दूसरे आचार्यों की शिक्षा का विरोध नहीं करती है श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा जो है हमारे दूसरे आचार्य की शिक्षाएं हैं उसमें प्रवेश कराती है हालांकि हो सकता है कि कुछ जो महान विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं यहां वो दूसरे आचार्य की शिक्षा समझ सकते हैं लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सभी आचार्यों की शिक्षा का समावेश कर दिया है जिससे हम समझ सकें क्योंकि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं जब श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार चलें यही शिक्षा जो है हम शिक्षा क्योंकि शिक्षा आदमी के जीवन परिवर्तन लाती है यही शिक्षा हमारे जीवन में परिवर्तन लाई है और यह जीवन में परिवर्तन लाई है तो यही शिक्षा हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी यही शिक्षा हमें भगवान को बस में कर लेगी कृष्ण बसी करो त भक्ति बसी करो कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षित अर्जुन ने सेनवो उभयो मध्य स्थापित मेचुत चुता भगवान को भक्ति से आदेश दिया रात को दोनों सेनाओं मिले चलिए यशोदा माँ भक्ति से बांध दिया भक्ति अति गरीयसी सी भक्ति बहुत महान है तो इसलिए भक्ति की जितनी अधिक महिमा हम लोग सुनते हैं और पूरा शास्त्र जो है हमारे आचार्यों का शास्त्र जो है वो भक्ति की महिमा का ही गान करता है जिससे हम आकर्षित होकर के उस भक्ति के रास्ते पर चलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे रे रे। तो कोई किसी के पास में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हाँ प्रश्न किया जा सकता है कि ये वंशावली फिर क्यों देते हैं आपने कहा कि एक वर्ष में अगर एक सुगंधित पुष्प हो तो सारा वर्ष सुगंधित हो जाता है तो बस उस पुष्प की तो क्यों नहीं बात करें क्यों इतने सारे राजाओं के नाम उन्होंने क्या क्या कर्म किया और सब तो शुद्ध भक्त नहीं थे तो ऐसे कोई प्रश्न उठा को सकता है दूसरा तो क्या उत्तर हाँ वही जैसे पुष्पकार थे एक भक्त तो जैसे मैंने बताया कि पूरे वन में जंगल में पहली बात तो आप जैसे विद्वान भक्त विद्वान भक्त का उत्तर मैं देने के लिए योग्य नहीं हूँ <laughs> तो आप हम ये प्रश्न किए हैं तो एक्चुअली मुझे ही शिक्षा देने के लिए अगर मैं कोई गलती हो जाए तो आपका स्वागत है इसको करेक्ट कर सकते हैं <laughs> तो प्रभुजी, प्रभुजी इस प्रभु जी प्रभु जी इसकोन के राधिकार्मण प्रभु हैं ये प्रश्न कर रहे हैं इकौन के जो विद्वान की टीम हैं उनमें एक सदस्य हैं तो इनका प्रश्न वास्तव में हम सभी के लिए है इनके लिए तो नहीं हम सभी के लिए है तो जैसे सिंपल चीज है कि भागवत में उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज के पिताजी भक्त तो नहीं थे बंशा सावले में उनके दूसरे लोग भी भक्त नहीं थे असुर थे हैं लेकिन उनकी भक्ति से संपूर्ण उद्धार होते इससे हमको ये भी लाभ होता है एक तो इनकरेजमेंट मिलता है प्रचार के हिसाब से कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी कुल के जैसे अमेरिकन भक्त सोच समक्ष अफ्रीकन भक्त सोच सकते हैं कि हम लोग तो बहुत हमारा कुल तो मांस खाने वाला है गाय खाने वाला है शराब पीने वाला है लेकिन इससे मिलता आपका कुल जो भी है एक ही मार्ग यही है भक्ति का मार्ग आपके संपूर्ण कुल को पवित्र कर सकता है एक तो ये शिक्षा मिलती है ये प्रचार के हिसाब से भी है तो उसको अपने वन से डिस्करे हालांकि जो भक्त जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में भक्त कुल में वो पूजनीय है लेकिन पूजनीय तो भक्त अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वो भक्ति में उन्नत नहीं है तो उसने अपने कुल का उद्धार नहीं किया भागवतम वर्णन है कि यदि वो भक्त नहीं है ब्राह्मण है विद्वान है तो कुल की बात छोड़िए अपना खुद भी उद्धार नहीं कर सकता लेकिन एक अपना भक्त जो है चाहे किसी कुल में हो अगर वो भक्त हो गया संपूर्ण कुल का उद्धार तो हम लोग को इतना इनकरेज हमारी महिमा कि भगवान कितने दयालु हैं हमारे पूरे हर व्यक्ति का वंश से आसक्ति तो होती है चाहे कोई भी हो अपने वंश को हेट नहीं करता है कोई घृणा नहीं करता अपने माँ बाप को क्योंकि वो आकर्षण होता है तो इसलिए वो बोलता है कि हम सोचता है कि मैं भक्ति से वो भक्ति ना करें फिर भी हमारी अशुद्ध भक्ति अगर हम बन जाएं तो हमारे संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाए उसको इंकरेजमेंट मिलता है दूसरे को इंकरेजमेंट मिलता है और ये भागवतम एक साक्षी है कि एक भक्त पूरी परंपरा को उद्धार करता है तो मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ तो अगर आपको कुछ कहना है तो बोल सकते बहुत बहुत धन्यवाद तभी नौ बज गया है तो इसलिए प्रभु जी का आदेश था ना नौ बजे तक पूरा समाप्त कर देना है तो यहाँ हम समाप्त करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इसी के साथ लाइट भी समाप्त हो गई